सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा डेली पंजाब न्यूज़ दे विच। दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर, इंडिया वालियां लई आई बुरी खबर। सरकार ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर, सो खबर नूं शुरू तो लैके आखिर तक जरूर देख लेना, तुहानूं पूरी खबर बारे पता चल जाएगा। उस तो पहला दोस्तों एक छोटी जिही बेनती है, साडी वीडियो नूं लाइक शेयर अते चैनल नूं सबसक्राइब करना भी ना भुलना। दिल्ली विच कोविड-19 दे वध रहे मामलों के मद्देनज़र अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्थिति नाल नजिठण लई तैयारी कर ली है अते सारे हस्पतालों विच चौकस रहने लई आख दिता गया है। दिल्ली दे सेहत मंत्री वल्लों दिल्ली सरकार दी स्थिति उत्ते नेड़ो नज़र रखी जा रही है अते सरकार दी कोई जोखिम नहीं उठाउणा चाहुंदी। असी अपने सेहत ढांचे नूं पूरी तरह नाल सुधारिया है। इस दे नाल ही दिल्ली विच कोविड-19 दे वधदे मामलों दे विचकार सारे हस्पतालों नूं अलर्ट रहने लई सलाह दित्ती गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलन तो रोकने लिए दिल्ली सरकार कोरोना वायरस नाल संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच कर रही है। इस दे नाल ही लोड़ पैण ते RT-PCR टैसट नूं भी वधाया जाएगा। सरकार वालों टैसटिंग के इलाज सिद्धांत उत्ते काम कर रही है। दिल्ली सरकार वालों जल्द ही सरकारी हस्पतालों में लोगों वख-वख टीकों दीआं सावधानियां वालियां खुराकां मुफ्त दित्तियां जाणगियां। दिल्ली के सेहत मंत्री वालों लोगों को जल्द तो जल्द टीकाकरण करवाने की अपील की है और कहा गया है कि इलाज तो बचाव बेहतर है। जिन्होंने अजे तक टीकाकरण नहीं किया है जां उन्होंने सिर्फ पहली खुराक ली है, उन्होंने पूरी टीकाकरण लिए अपने नज़दीकी सेहत केंद्र में जल्दी तो जल्दी जांच करवानी चाहिए है। दस दिए कि कोविड-19 कारण दिल्ली में 366 नवे मामले सामने आ चुके हैं। उतें सेहत मंत्री वालों लोगों को सावधानी वरतने लिए आख दिता गया है।